गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हिंदी वन में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर वन में है बेटा गांव में रहने वाला। गांव में रहने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रामीण। क्या बोलेंगे? ग्रामीण। नंबर टू है नाटक खेले जाने वाला मंच। मंच स्टेज को बोला जाता है और यहाँ पे नाटक खेला जाता है, उस स्टेज को हिंदी में रंग मंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंग मंच। तो इसका एक शब्द में आप क्या राइट करोगे? नाटक खेले जाने वाला मंच, रंग मंच। नेक्स्ट देखिए, जिसका मूल्य न आका जा सके, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सके उसको बोलते हैं बेटा अमूल्य। क्या बोलेंगे? अमूल्य। नंबर फोर में देखिए, जहां कल पुर्जे बनते हैं, जहां कल पुर्जे बनते हैं उसका एक शब्द हो जाएगा कारखाना। क्या हो जाएगा? कारखाना। जो शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने वाले को बोला जाता है शिक्षक। शिक्षक क्या करते हैं? छात्रों को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उसको एक शब्द में आप बोल सकते हो शिक्षक। जो शिक्षा देते हैं शिक्षक। दो मंजिल वाला, दो मंजिल वाला जो बिल्डिंग होता है उसको बोलते हैं दू मंजिला। क्या बोलेंगे? दू मंजिला। नेक्स्ट है बेटा, जो दूसरे देश का हो, जो दूसरे देश का हो उसको बोलते हैं विदेशी। और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो अपने देश का हो स्वदेशी, और जो दूसरे देश का हो विदेशी। आगे देखिए, जो सेवा करता हो, सेवा करने वाले को सेवक। एक शब्द में हम सेवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेवा करने वाला सेवक, या जो सेवा करता हो सेवक। नेक्स्ट है बोलने वाला। इसको आप लोग पहले भी पढ़े थे। बोलने वाला को क्या बोलते बेटा? वक्ता। और सुनने वाला क्या होगा? श्रोता। सुनने वाले को श्रोता बोला जाता है और बोलने वाला को वक्ता। नेक्स्ट है जो परिश्रम करता हो, परिश्रम करने वाले को बोलते हैं परिश्रमी। क्या बोलेंगे? परिश्रमी। परिश्रम करने वाला या जो परिश्रम करता हो उसको एक शब्द में परिश्रमी कहते हैं। आगे देखिए, जहां आसानी से जा सके, जिस जगह में हम आसानी से जा सकते हैं उसको बोलते हैं बेटा सुगम। और जहाँ पे हम आसानी से नहीं जा सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुर्गम। जहाँ आसानी से जा सके सुगम, और जहाँ पे आसानी से न जा सके उसका हो जाएगा दुर्गम। आगे है बेटा, शहर में रहने वाला। शहर में रहने वाले को क्या बोलेंगे? शहरी। क्या बोलेंगे? शहरी। और जो गांव में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? ग्रामीण, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। आगे देखते हैं, जो आज के ज़माने का हो, आज के ज़माने का हो उसका एक शब्द हो जाएगा आधुनिक। आधुनिक, जो आज के ज़माने का हो आधुनिक। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में दया हो उसको बोलेंगे दयालु। क्या बोलेंगे? दयालु। नंबर 15 में देखिए, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो उसको बोलते हैं बहुमूल्य। बहुमूल्य, इसकी कीमत बहुत अधिक होती है वो क्या कहलाता है? बहुमूल्य। नेक्स्ट है प्रतिदिन होने वाला। जो काम हम रोज दिन करते हैं, जो रोज दिन होता है उसको बोलते हैं दैनिक। प्रतिदिन मतलब कि हर दिन होता है उसको बोलते हैं दैनिक।
नेक्स्ट है सप्ताह में एक बार होने वाला, और जो काम सप्ताह में वीकली करते हो या वीकली होता है उसको हम लोग एक शब्द में बोलेंगे साप्ताहिक, साप्ताहिक। और जो काम वर्ष में एक बार मतलब एक साल में एक बार होता है उसको क्या बोलेंगे वार्षिक। नेक्स्ट है कविताएं लिखने वाला पुरुष। अब आप यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे पुरुष लिखा हुआ है, कविताएं लिखने वाला पुरुष, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कवि। अब यहाँ पे महिला होती तो क्या हो जाता कवित्री, लेकिन आपके पुस्तक में दिया हुआ है कविताएं लिखने वाला पुरुष, उसको एक शब्द में आप बोलोगे कवि। और लास्ट में बेटा जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु। ठीक है, आप लोग को होमवर्क में इसको हिंदी वन की कॉपी में राइट करना है और अच्छे से याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।